ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वॉयलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वॉयलेंस का। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में हम पहले बात करेंगे उनवान पर, अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मीडिएशन के लिए तीन लोगों की कमेटी जिसमें श्री 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 रविशंकर और हमारे हैदराबाद के एमपी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने श्री 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 रविशंकर के मीडिएशन कमेटी में रहने पर सख्त एतराज किया है, क्योंकि रविशंकर वायलेंस की बात कर चुके हैं इससे पहले, इसी वजह से बैरिस्टर अवैसी उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, वो तो देखा आपने। चलिए अब चलते हैं आज के अनकट के दूसरे सब्जेक्ट पर। मुंबई के एक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर उलेमा, दाढ़ी है इतनी बड़ी, इस्लाम की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि विक्टिम्स एसोसिएशन के सदर शहबाज अहमद खां का मर्डर कर दो, अपील कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं आवाम पर। एक तरफ मौलाना की अपील शहबाज खां का मर्डर कर दो, दूसरी तरफ कुदरती तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हीरा गोल्ड का केस सीबीआई के हवाले कर दे। इस पर सोच रही है, गौर कर रही है, आइए देखते हैं। तेलंगाना वाले से भी कह रहा हूँ, ये जो शहबाज है जब नहीं बाज आ रहा है, हमको तो इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं दी है, मगर अब पानी सर से ऊपर हो गया है, तो मैं तो कहता हूँ कि तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहाँ कहीं पे भी ये रहता है, वहाँ की पब्लिक जाके इसके ऊपर टूट जाओ, क्योंकि ये जो परेशानी किया है, ये दाऊद का बाप बन के जो चल रहा है, तो इसको एक दाऊद दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट को, ये दूसरा दाऊद नहीं दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट को। हाँ, इसने पब्लिक पे क्या कहर डाला हुआ है। हाँ, नवेरा के नाम से इसने पब्लिक पे कहर किया, पब्लिक को परेशान किया है, तो ये गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए पब्लिक ने जाके टूटो इसके ऊपर। हाँ, हालांकि इस्लाम इजाज़त नहीं देता, मगर क्या करेंगे, ईमान वाला भाई अगर ईमान वाले को नहीं समझ पा रहा है तो इसको रखने का और रहने का कोई हक नहीं बनता है, फिर कर दो इसको जिसको जो करना है। देखा नाज़रीन, अब हक की बात करने वाले, सच्चाई आवाम के सामने लाने वाले सोशल वर्कर, सामाजिक कारकुन जैसे शहबाज अहमद खां का मर्डर कर दो, लोगों के फेक चीजों को हकीकत को बताने वाले व्हाट्सएप चैनल के सीईओ शाहिद कुरैशी का मर्डर कर दो, क्या छोटे बच्चों का खेल है? या शाहिद कुरैशी, शहबाज अहमद का कोई चूड़ी के बच्चे हैं जो पकड़े और मर्डर कर दें? क्या आवाम में हकीकत नहीं बताना है, मुंह मुचकर खामोश बैठ जाना है? जो भी अन्याय हुए ये नहीं चलेगा, चाहे तुम लोग मर्डर कराने की प्लानिंग कर लो, चाहे कुछ कर लो, शहबाज अहमद खां अपनी मुहिम जारी रखेंगे, शाहिद कुरैशी अपनी मुहिम जारी। और आप लोग भी ये एपिसोड देखकर शेयर करने की मुहिम जारी रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।